ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। तो आइए अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और जिनके भी नाम इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं बाबा, उन सभी पर दया रहम करना, उन सभी की ज़िंदगी में खुशियां हो, उन सभी का हर दिन बेहद खूबसूरत हो और आपके आशीर्वाद के साथ वो दिनों दिन तरक्की करें, सफलता प्राप्त हो और आगे बढ़ें और अपने साथ साथ बाकियों का भी भला करें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबकी सेवा करें, यही हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। तो प्रार्थना हमने बचपन से सीखी है, प्रार्थना करना बचपन से हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना करो, है ना। स्कूल जाते थे तो भी सबसे पहले प्रेयर करते थे कि ऐ मालिक, हम अपना नया दिन शुरू करने जा रहे हैं, भगवान हम पर दया रखना और हमारी प्रार्थना कबूल करना। बस उस वक्त इतनी जानकारी नहीं थी कि प्रार्थना क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, बस ये पता होता था कि स्कूल जाना है, प्रेयर होगी, प्रेयर में खड़े होकर प्रार्थना करनी है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, बस नेशनल एंथम करके फिर क्लास में चले जाना है। इतनी सी हमारी बचपन में रूटीन होती थी मॉर्निंग की। पर अब जो हम प्रार्थना करते हैं, उस बचपन की प्रार्थना से और अब की प्रार्थना में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उस वक्त प्रार्थना हम खुद के लिए करते थे, आज प्रार्थना हम अपने परिवार के लिए करते हैं, जो हमारे दीदार के मेंबर्स हैं उनके लिए करते हैं, किसी के भले के लिए करते हैं, किसी की खुशियों के लिए करते हैं, किसी की हेल्थ के लिए करते हैं। और ये किसने सिखाया हमें? हमारे बाबा ने, कि दूसरों के लिए जीना सीखो। तो जिसने हमें ये सिखाया है उसने हमारे ज़िंदगी में बदलाव भी लाए हैं, क्योंकि जब से बाबा आए हैं हमने अपने आप को बदला है। हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं ये हम खुद महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर के बदलाव को आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आप पहले क्या थे और साईं को पाने के बाद आज आप क्या हो, ये आप ही अनुभव कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी खुशियाँ, अपना दर्द ये सिर्फ़ खुद को ही महसूस होता है। बाहर वाले कुछ नहीं करते, बस जब आप कामयाब हो जाते हो तो आपके सामने आपकी तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई, और जब आप कामयाब नहीं हो पाते हो तो फिर आपके सामने भी आपकी बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, आपको ये दिखाने में कि आप किसी काबिल नहीं हैं। तो इसलिए खुद की मजबूती अपने हाथ में रखिए, खुद को सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, खुद को भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि सुबह सुबह उठकर या कभी भी अपने आप को बुरा भला कहना कोई अच्छी बात नहीं है। अपनी लाइफ में इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपने कभी खुद को बुरा भला नहीं बोलने की, अरे मैं तो मनहूस हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ये शब्द कई बार आप लोग कॉल करते हैं तब भी यूज़ करते हैं, तो नहीं, अपने आप के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? आप बाबा के बच्चे हो, आपको भगवान ने चुना है, आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, फिर तो आप सौभाग्यशाली हुए ना, फिर अपने आप को ऐसा क्यों बोलते हो आप? अरे ये ज़िंदगी मिली है तो कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा ना, बस आपको करते रहना है। और सोचो, ये सोचो कि मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें हैं, सामने वाली की लाइफ में तकलीफ़ें कम हैं, तो वही बात है ना, जब तक आपने किसी की ज़िंदगी में देखा नहीं आपको यही लगता है कि उसकी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सबकी ज़िंदगी में वही चल रहा है। ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर वही लेखा, आपने अभी सिर्फ खुद का देखा इसलिए आपको ये लग रहा है कि बस हम ही दुखी हैं, लेकिन गौर फरमाओगे तो पूरी दुनिया ही दुखी है, सब दुखी हैं, कोई पूरी तरह से सुखी नहीं है, बस कुछ शो ऑफ कर देते हैं इसलिए अभी लगता है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसके लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ चल रहा है ना। इसलिए किसी का नहीं देखना है, अपना देखना है, हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको सुधारना है और आगे से कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें सबको खुश नहीं करना है, उस मालिक को खुश करना है। तो चलिए अपने बाबा की तरफ और प्रार्थना की तरफ आइए, प्रार्थना शुरू करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, आज मालिक हम सभी अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए और उन्हें वक्त दीजिए जिन्हें आपके वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपके लिए वक्त निकालते हैं उस वक्त जब
उनके पास वक्त नहीं होता। तो आप भी अपना वक्त उन कीमती लोगों के लिए बचा के रखिए जो वाकई उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ऐसे वक्त को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि इसे बहुत अच्छी जगह लगाइए जहाँ पर वाकई इसकी कद्र हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये बातें हैं आपको समझ में आती होंगी। तो आइए प्रार्थना शुरू करते हैं, और प्रार्थना में जो नाम है, मालिक उन पर दया करे, साईं उन पर कृपा करे, यही इसी भाव के साथ हम आज के नाम लेते हैं। तो आज के नाम है देवा, इन पर दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। आज के नाम है सिमोनी जी, अरिजीत जी, वृंदा जी, बच्चा समीक्षा, बिनु राघवन जी, आलोक जी, राजू जी, मेहर जी, दीपू कुमारी जी, यश जी, सरिता एंड सूरज जी। तो मालिक इन सभी पर दया करे, रहम करे, सबकी सेहत अच्छी हो, यही हमारी बाबा से प्रार्थना है। तो आज परिवार में वृंदा जी का जन्मदिन है। वृंदा जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मालिक आपको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आप हमेशा मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, और साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और जिस प्रॉब्लम से मालिक आपको, जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, बाबा आपकी उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस दिक्कत को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, हमारी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो वृंदा जी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मिलकर बाबा से प्रार्थना करें कि साईनाथ उनकी इस बीमारी को जल्द से जल्दी ख़त्म करें, उनके कष्टों का निवारण हो। और हम वृंदा जी के लिए सभी मिलकर श्री साईं कष्ट निवारण जरूर करेंगे इस गुरुवार को, ताकि वो जिस बीमारी से परेशान है, वो बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी है, और मालिक उनको जल्दी से उससे छुटकारा दिलाएं। वृंदा जी आप हिम्मत मत हारिएगा, साईं आपके साथ है, पूरे दीदार फैमिली आपके साथ है, सब अच्छा ही होगा, साईं संभाल लेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना, साईं सब अच्छा करेंगे। और आज सरिता जी और सूरज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सरिता जी और सूरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप लोग हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मालिक आपको हमेशा इसी तरह साथ रखे, और आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा मधुरता हो, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, और इसी प्रकार आप बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, अच्छा करते रहें, सेवा करते रहें, और लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाते रहें, आपकी मुस्कान भी बनी रहेगी। तो आपकी सारे विशेष पूरी हो, माँ बाप की हर मनोकामना पूरी करें, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो। तो जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मालिक उन पर अपनी कृपा बनाकर रखें। और आज जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, बाबा उनकी परीक्षा में उनका साथ दें। आप लोग अच्छे नियत से काम करेंगे तो हमेशा काम अच्छा ही होगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके भाव अच्छे हैं ना, तो भगवान भी आपका साथ देने पहुंच जाता है। बस इसी भाव के साथ आइए 11 वचन पढ़ते हैं, ताकि मालिक हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो साईं से जिनके लिए भी आपको कुछ कहना है, वो आप कह सकते हैं, हाथ में उदी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाबा के 11 वचन। तो प्रार्थना कबूल होगी, साईं ज़रूर सुनेंगे, विश्वास रखिए, साईं श्रद्धा की लाज रखेंगे। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबका भला करें, आप सबके लिफ्ट में खुशियां हो, आपके आंगन खुशियों से महकते रहें। साईं सबका भला करें, साईं संभाल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।